स्वामी हरिदास हमारे परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है, और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खां साहब की भी तस्वीर है, और हमारे जियाउद्दीन खां साहब, उस्ताद प्रेमुद्दीन खां साहब, इन सब की तस्वीरें जितने भी कवर कर सकते थे, बहुत सारे लोग छूट गए हैं लेकिन जितने भी हम लोग कवर कर सकते थे इधर हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कैलेंडर के कारण ये ध्रुपद जो है, ध्रुपद का इतिहास, ध्रुपद का वर्तमान, ध्रुपद में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में काफ़ी जानकारी लोगों तक, परिवारों तक और आने वाली जनरेशन को भी जाएगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक यादगार चीज़ रहेगी कि वो उनको उस चीज़ को देखे और हमारे संस्कृति को और हमारे देश की जो भी कला है उनको याद रखे और इन कलाकारों को याद रखे जिन्होंने योगदान दिया है। सातवां वर्ष है और ये भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। सुरसा स्वतंत्रता और समर्पण की संधि को शिव कहते हैं। राजगिरी कामना करता है कि संस्कृति और सभ्यता के संधि स्थल पर संगीत का ये अमृत समाज में संकीर्णताओं से लड़ने की शक्ति का संचार करेगा। इस साल का ये कैलेंडर भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को समर्पित है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई शिवेन जी को कि बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको प्रकाशन कराया, और प्रभु से प्रार्थना है कि इस तरह से इसको आप आगे इसको बढ़ाते रहिए, इस परंपरा को। और सुबह बनारस आपको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।